बिहार सरकार के कार्यशैली व वायदे खोखले नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर विकास को लेकर योजनाओं का हाल बद से बदतर देखने को मिल रहा है। आए दिन NH-80 पर अनगिनत घटनाएं होती चली जा रही हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण सड़क का गड़बड़ होना है। इस पर कई नोटिस जारी किए गए हैं। कितने राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक सरगर्मियों को तेज करे से बचाने के वादे तो किए, लेकिन यह अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। बाहर हाल सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस पर सुध लेने वाला कोई नहीं ऐसा क्यों, जबकि यह सड़क NH-80 कई जिलों व राज्यों को जोड़ती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है और रोटी सकती है राजनीतिक पार्टियां। सड़कों की तस्वीर ही बयां कर देती है बिहार की मुखिया की कार्यशैली, तो हम और आप क्या कहेंगे। यहाँ बड़े बड़े नेता आकर दावा करके चले जाते हैं, जनता को कुछ भी सफलता हाथ नहीं लगती। घटनाओं पर घटनाएं होती चली जा रही हैं, पर किसी राजनेता पर जू तक नहीं रह गई। परेशानी सर, आप लोग तो खुद 2 घंटा से मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को देखे तो हम भी आए और बहुत ही अच्छा लगा कि अब पॉजिटिव खबर आएगी। यहाँ सनौला प्रखंड, बोराडी प्रखंड के लोग ट्रेन पकड़ने के लिए कॉलेज के लिए बाल बच्चे आते हैं, ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं। इतनी असुविधा की सामना करना पड़ता है, चाहे वृद्ध हो, बच्चा हो, माँ बहन हो। यहाँ बगल में सबौर थाना है, कितने पदाधिकारी कभी कभी मिस हो जाने से मोटरसाइकिल लेके पुलिसकर्मी भी गिर जाते हैं। बहुत नरकीय जीवन है और कैसे बिता रहे हैं बहुत ही अफसोस। हम लोग समाज सेवी होते के नाते समाज का ताना सुनते हैं, क्या आप लोग समाज सेवी, हम लोग क्या करेंगे। हम लोग तो आप लोगों को जरिए ये बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो। अब तो पंचायत रहा नहीं, अब तो नगर पंचायत हो गया। अब इसमें भी अगर कार्य नहीं होता है, ये तो बहुत बड़ी शर्मनाक। कितने सड़क पर जहां तहां गाड़ी एक लगाने वाले लोगों पर पुलिसिया कार्रवाई प्रारंभ, और आखिरकार भागलपुर यातायात पुलिस के द्वारा नियमों का अनदेखी कर 9 पार्किंग जोन में बाइक लगाने वालों पर कानूनी डंडा चलने लगा है। शहरी क्षेत्र के खलीफाबाद चौक, स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, सुजागंज बाजार सहित मुख्य बाजारों में 9 पार्किंग जोन में लगाए गए बाइक को यातायात थाना अध्यक्ष रविंद्र महतो के नेतृत्व में मिनी क्रेन के माध्यम से थाने पहुंचाया गया, जहां दर्जनों गाड़ियों से जुर्माना वसूल कर आइंदा 9 पार्किंग जोन में गाड़ी नहीं लगाने की नसीहत देते हुए छोड़ दिया गया। इस दौरान यातायात थाना अध्यक्ष ने बताया कि सीनियर SP के निर्देश पर बाजार में जहां तहां बाइक लगाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान यातायात प्रभारी ने शहरी क्षेत्र के सभी दुकानदारों से गाड़ियां पार्किंग जोन में लगवाने की अपील भी की। हम आपको बता दें कि बेतरतीब तरीके से बाइक लगाए जाने वालों के कारण लगने वाले जाम की समस्या को देखते हुए भागलपुर के सीनियर SP निताशा गुड़िया की पहल पर पुलिस मुख्यालय ने बाइक को सहूलियत से उठाने के लिए 2 मिनी क्रेन भागलपुर पुलिस को मुहैया कराए थे। लोगों से, दुकानदार से आग्रह है कि जो मोटरसाइकिल सड़क पर लगाते हैं वो कृपया सड़क पर न लगाएं, उससे ट्रैफिक बाधित होता है। इसे सभी लोगों से आग्रह किया, पहले अनाउंसिंग कर दिया गया है, आप लोग अपना सड़क पर से गाड़ी हटा लें, सड़क पर गाड़ी ना लगाएं, पार्किंग का अपना खुद व्यवस्था करें। आज किस तरह कार्रवाई हो रहा है? वही हम लोग सीनियर मैम के आदेश के अनुसार में हम लोग जो सड़क पर लगा रहे हैं बाइक, उन लोगों को हम लोग थाना ले जा रहे हैं फाइन करने। भागलपुर शहर के वार्ड नंबर 21 में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विधायक निधि योजना संख्या 25/2019-21 के अंतर्गत जोगसर स्थित गोनरलाल लेन में सड़क और नाले के निर्माण के लिए 14,20,300 रुपए विधायक फंड से दिए गए थे, लेकिन यहां पर जहां नाले का काम अधूरा छोड़ दिया गया, वहीं सड़क बनी ही नहीं और विभाग के द्वारा कार्य को पूर्ण दिखा दिया गया। इस सड़क का उद्घाटन भी विधायक से कराकर बोर्ड लगा दिया गया। वहीं सड़क नहीं बनने और अधूरा नाले के काम को लेकर बुढ़ानाथ मोहल्ले के रहने वाले समाज सेवी संजय राम लगातार अधिकारी और विधायक के पास दौड़ लगा रहे हैं, जिसको लेकर समाज सेवी संजय राम लगातार जिलाधिकारी, विधायक और कार्यपालक अभियंता क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के पास लगातार मोहल्ले के लोगों को लेकर परेशानियों को दूर करने और काम में हुए अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों, संवेदक और कर्मचारियों पर ठोस कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। नाला निर्माण और पथ निर्माण का मामला है तो ये काम जो है 14,20,300 रुपये का एस्टीमेट है विधायक निधि से, लेकिन ये 1.5 साल से अभी तक जो है ये निर्माण अधूरा है। जो दर्शाया गया है कागज़ पर उसके हिसाब से जो सर्वेक्षण आप कीजिएगा स्थल सर्वेक्षण, तो वो बहुत कम है। दूसरा है कि काम का जो क्वालिटी है वो भी बहुत दब रहा और रोड तो आज तक बना ही नहीं। बुढ़ापे में जिन बेटों और बहुओं की उनके माता पिता का सहारा बनने की जरूरत होती है, वहीं कुछ लोगों द्वारा अपने माता पिता के साथ मारपीट और ज्यादती करते हैं। एक ऐसा ही वाकया भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र में भी घटित हुआ है, जहां पर पुत्र ने अपनी वृद्ध माता के साथ मारपीट कर हाथ तोड़ डाला।
मामला पीरपैंती थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव का है, जहां वृद्धा चिंतामणि देवी पति स्वर्गीय छविनाथ प्रसाद रजक पति के देहांत के बाद अपने पति की पेंशन से गुजर बसर कर रही है। उनके छोटे पुत्र अरविंद कुमार रजक ने पेंशन देने व स्वयं की खरीदगी जमीन को अपने नाम करवाने हेतु बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की तथा मारपीट कर उसका दाहिना हाथ तोड़ दिया। बुजुर्ग वृद्धा ने इसकी लिखित सूचना पीरपैंती थाने को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते न्याय के लिए दर दर भटक रही है। बताते चले कि अरविंद कुमार रजक बैंक कर्मी है। वृद्धा ने बताया कि घटना के पीछे पति की पेंशन और खरीदगी जमीन पर छोटा बेटा और पुतोहू की गिद्ध दृष्टि है। आवेदन दिए हैं आप? आवेदन कहाँ दिए हैं? आवेदन तो थाना में दिए, मतलब नहीं सुनवाई किया। अच्छा, तो न्याय चाहते हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? चिंतामणि। कहाँ घर हुआ? घर हुआ सुंदरपुर। जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मानसा पूजा को संपन्न होने से लेकर श्री श्री 1008 बिहुला बश्री महारानी केंद्रीय पूजा समिति की ओर से आम बैठक का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य आतिथ्य कर रहे समिति के अध्यक्ष प्रदीप ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र के ही सैकड़ों लोग आकर वैश्विक कोरोना महामारी में प्रतिमा स्थापित को लेकर विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद आयोजन से आए मेड पतियों से बातचीत कर जिला प्रशासन को अवगत कराने में बात कही, जिसमें कि गोविंद प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रतिमा स्थापित किया जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन से इजाजत लेने की मांग की गई है। बहरहाल देखने वाली बात यही होगी कि प्रतिमा स्थापित होने के बाद कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन होता है या फिर गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जाएगी। जिला विश्वरी महारानी केंद्रीय पूजा समिति के द्वारा बैठक आयोजित की गई है। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि अंग प्रदेश की लोक आस्था का पर्व जो भागलपुर का महान पर्व है विश्वरी पूजा, उस पूजा को किस रूप में संपन्न कराएं, किस स्वरूप में या कोरोना काल में बैठे, उसको लेकर के हम लोग सभी स्थानीय मेड़पति जितने भी यहाँ 117 से ज़्यादा स्थान हैं, उस स्थानों के मेड़पति से सुझाव मांगे हैं और इस सुझाव को संकलित करते हुए हम लोग इसको राज्य सरकार और जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड नगर परिषद होने के बावजूद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित सूर्यगढ़ा प्रखंड के वासी वही सूर्यगढ़ा बाजार से सटे बिजली ऑफिस के समीप 3 दिनों से मरे पड़े नील गाय की बदबू से परेशान स्थानीय लोगों का कहना है कि सूर्यगढ़ा नगर परिषद बनने के बावजूद भी नगर परिषद कर्मी और अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं। 3 दिन से नील गाय यहाँ मरी पड़ी है और कोई देखने वाला नहीं है, जबकि ये सूर्यगढ़ा प्रखंड नगर परिषद में आ गया है, उसके बाद भी कोई देखने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा ही बदबू कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? निखिल अग्रवाल। हवेली खड़गपुर क्षेत्र के बरोई गांव में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट में 1 की हुई हत्या। मिली जानकारी के अनुसार घर का जमीन को लेकर कई वर्षों से चल रहा था विवाद, जिसको लेकर मुकेश मंडल अपने घर से बाहर निकलकर खेतों में काम करने के लिए निकल रहे थे। उसी क्रम में पवन सिंह, मिथिलेश सिंह, सिकंदर सिंह, उषा देवी, किशोर सिंह, विनोद सिंह ने घेर कर मुकेश मंडल की देसी कट्टे से सीने पर गोली चला दी, जिसके बाद मुकेश मंडल की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसके बाद इसकी सूचना खड़गपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार को दी गई। सूचना के अवलोकन में थाना अध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पहुंचने के बाद पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया, साथ ही ग्रामीणों के सहयोग से अपराधी को पकड़ा गया। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि इस मामले में जो भी संजा छिले पर होगी उसे जल्द पकड़ा जाएगा। साथ ही मुकेश मंडल को पोस्टमार्टम हेतु मुंगेर सदर अस्पताल भेजा गया। इधर परिजनों में कोहराम मच गया है। बिहार के मुंगेर के रहने वाले राजन कुमार एक छोटी सी नक्सल प्रभावित गांव में पले बड़े और चार्ली चैपलिन 2 के नाम से चर्चित राजन कुमार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उन्होंने नमस्ते बिहार, शहर मसीहा जैसे फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि नमस्ते बिहार फिल्म की अभिनेत्री कलिता है, जो रेशमी नाम की पत्रकार की भूमिका में है। वह नमस्ते बिहार अखबार की क्राइम रिपोर्टर है। दर्शकों का हमारे इस फिल्म का पूरा प्यार मिला है, लोगों ने खूब हमारी इस फिल्म को देखा। साथ ही साथ अभिनेता राजेंद्र कुमार ने सरकार से मांग की है कि बिहार के मुंगेर को फिल्म सिटी का दर्जा दिया जाए। साथ ही मुंबई में रहने वाले कलाकारों से भी अपील की है कि वह मुंगेर आकर एक बार देखें और जो कलाकार करोड़ों रुपए खर्च करके देश विदेश में जाकर फिल्म शूटिंग कर रहे हैं, वह कलाकार मुंगेर में आकर 0 रुपए की लागत से यहाँ फिल्म तैयार कर सकते हैं। अगर मुंगेर में कलाकारों की आवश्यकता पड़ेगी तो मुंगेर में भी सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पे फिल्म सिटी को लेकर के राजनीति क्या है, अब यहाँ से दूर हुआ। जय हिंद एंड नमस्ते मुंगेर। मुंगेर रीजन जो है अपने आप में बहुत शानदार है, खूबसूरत है। अगर हम भीम बांध की बात करें, हम खड़गपुर की बात करें, तारापुर की बात करें, बरियारपुर की बात करें, तो क्या कुछ नहीं है मुंगेर में। यहाँ पर मीर कासिम का किला है, तो राजा कर्ण की धरती है ये,
सीता कुंड है यहाँ पर, पीर पहाड़ी है यहाँ पर, काली पहाड़ी है यहाँ पर, गंगा मैया है यहाँ पर। तो अपने आप में मुंगेर के पास एक प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है ये, और बहुत रीज़नेबल है। अगर आप अपने फिल्म की शूटिंग यहाँ करते हैं तो यकीन जानिए बहुत कम पैसे में बहुत अच्छी फिल्म बन जाएगी। घर घर में कलाकार हैं यहाँ, हर घर में कलाकार हैं, इसलिए आपको कलाकारों की ज़रूरत भी अगर पड़ती है तो आपको कहीं मुंबई दिल्ली से मंगवाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ के कलाकार टेक्नीशियंस बहुत हार्ड हैं यहाँ, यहाँ एडिटर मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर सिंगर मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर स्टूडियो हैं जहाँ आप गाने रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइन प्रोड्यूसर है यहाँ पर, मेकअप मैन है यहाँ पर। तो मैं तमाम मुंबई के प्रोड्यूसर्स को अभिनेता राजन कुमार एक प्रोड्यूसर की हैसियत से ये आमंत्रित करना चाहूँगा अपने होम टाउन में कि आप मुंगेर को एक बार देखिए, नेट पे सर्च करके देखिए। वैसे कुछ लोग इसको गन सिटी ऑफ गन भी कहते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे कारीगर हैं जो बहुत अच्छा गन बनाते हैं, लेकिन ये शहर योग नगरी है। अगर आप जैसे कि कोरोना काल में लोग बहुत व्यथित हो गए, योग ने बचाया, तो ये शहर आपको योग सिखाएगी। यहाँ की हवाओं में योग बहती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर योग करते हैं यहाँ। यहाँ योग महाविद्यालय है जहाँ पर स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जैसे महान शख्सियत रहते हैं। तो आप मुंगेर आएंगे तो कंप्लीट शूटिंग करके आप जाएंगे, और बहुत कम पैसे में। मुंगेर इज़ द परफेक्ट लोकेशन फॉर फिल्म सिटी। सरकार को भी ध्यान देनी चाहिए, ऐसी जगह कहीं नहीं मिलेगी उनको। तो इस जगह को डेवलप करने की ज़रूरत है, और डेवलप तब होगा जब हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे फिल्म निर्माता यहाँ आकर फिल्म की शूटिंग करेंगे। बफ्टा बिहार फिल्म एंड टेलीविज़न आर्टिस्ट एसोसिएशन ट्रस्ट, जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था है, पिछले कई सालों से पूरे बिहार के कलाकारों को लेकर ये काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई सारी फिल्में हमने बनाई हैं, जिसमें नमस्ते बिहार जैसी हिंदी फिल्म है, शहर मसीहा ने जो मुंगेर की पहली हिंदी फिल्म है। तो इस तरीके से तमाम हिंदी फिल्में यहाँ बन रही हैं, भोजपुरी फिल्में बन रही हैं, रीजनल फिल्में बन रही हैं, कलाकारों को काम मिल रहा है, लोग ट्रेंड हो रहे हैं। तो आने वाला समय बिल्कुल परफेक्ट है मुंगेर के लिए, जहाँ पर ऋतुराज जी जैसे प्रोड्यूसर निकल कर आ रहे हैं, तो तमाम काम यहाँ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, चलो हीरो राजन कुमार, आप लोगों को इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, मुंगेर ज़रूर आइएगा। रॉय क्वीन, अच्छा क्या कहेंगे, अभी फिल्म मुंगेर फिल्म डायरेक्टरी आ रहा है, किस कैसे काम कर रहे हैं मुंगेर फिल्म डायरेक्टरी के लिए? तो बस इतना ही कि लोग जब इसके बारे में जानेंगे तो वो मुंगेर की बारे में बहुत अच्छे से जानकारी उन्हें मिलेगी कि मुंगेर में किस तरह वो आ करके अपने फिल्म को डेवलप कर सकते हैं कम बजट में। तो मुंगेर के कलाकार जो इतनी मेहनत करके बॉम्बे तक जाते हैं और असफल हो करके वापस आना पड़ता है, तो इस बात की खुशी है कि जो काम वो बॉम्बे जाके कर पाते हैं वो मुंगेर में हो पाएगा। अच्छा, कोविड का भी समय चला, सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या कुछ सहायता मिला है, या फिर आर्थिक स्थिति की बात भी करें, क्या आप लोगों की हमारी स्थिति? तो लॉकडाउन में घर में मतलब अपने आप को एक्टिंग प्रैक्टिस में बीती, और सबकी भी कोरोना में आराम, मतलब ना कोई घर में कुछ वर्क भी नहीं किसी का हो पाया, तो इस बात का अफसोस सबको रहा, लेकिन इस बात की खुशी रही कि हम लोग बीमारी से बच सके। प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।